हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली आपकी वीडियो 7:30 बजे आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आप लोगों को हिंदी प्लस जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2023 के प्रीवियस ईयर के दिए जा रहे हैं। तो आप लोग यदि वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन यहाँ से उठकर आपके एग्जाम में आ जाए यह किसी को अच्छी तरीके से नहीं पता होता, केवल एग्जामिनर की ही पता होता है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं, आप लोगों से बार बार कहते हैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है यह हमारा पार्ट नंबर बता दिया जाए, आज का जो पार्ट नंबर होने वाला है यह 12 होने वाला है। दोस्तों, आप लोग हमारी सारी वीडियो लेक्चर्स को भी प्रीवियस में जाकर देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्यांश के लिए जो है कालातीत शब्द का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, कालातीत शब्द का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों करेक्ट आंसर होगा जिसका समय बीत गया हो उसके लिए हम लोग कालातीत शब्द का प्रयोग करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो आप लोग फटाफट आंसर करिएगा। यदि आप लोगों को पहले से भी किसी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कर दिया करिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी बेहतर होती रहेगी। चलिए, क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करें। जैसे कविता, कवियों को काव्य के करते समय आनंद मिलता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शंस देखिए और कहाँ पर प्रस्थापित करने की आवश्यकता है उसको पहचान कर आप लोग प्रस्थापित करिएगा। तो कवियों को जो होता है वह कविता के करते समय बहुत आनंद मिलता है, इसलिए यहाँ पर काव्य की जगह आपका क्या आ जाएगा, कविता हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। जैसे वहां घमासान जो है, घमासान का युद्ध हो रहा था, तो कहां पर आप लोगों को त्रुटि दिख रही है, तो मेरे प्यारे दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा घमासान का युद्ध जो हो रहा था, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रस्थापित करें। जैसे महेश चित्रकला का व्यायाम कर रहा है, तो दोस्तों महेश जो होता है वह चित्रकला का व्यायाम कर रहा होता है या क्या कर रहा होता है, तो दोस्तों महेश जो होता है चित्रकला का व्यायाम नहीं करता है, क्योंकि आपका व्यायाम बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पर सेंटेंस, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रकला का जो है अभ्यास कर रहा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 3 करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिना विचारे किया गया विश्वास वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो दोस्तों इस वाक्यांश के लिए एक शब्द में आपको बोलना है, तो क्या बोल सकते हो आप लोग, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अंधविश्वासी बोल सकते हैं, याद रखिएगा अंधविश्वासी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, या अंधविश्वास भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करें। हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत कुछ पढ़ा है, तो दोस्तों इसमें आप लोगों को कहां पर प्रस्थापित करने की आवश्यकता है फटाफट कमेंट बॉक्स में भी आप लोग बता सकते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताते रहिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत कुछ पढ़ा है की जगह पर क्या रहेगा, बहुत कुछ संकलित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे डैश भीड़ बढ़ गई, तो दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों आपका जो रहेगा यहाँ खाली स्थान पे यह क्या रहेगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर रहेगा आपको जो है दर्शकों की भीड़ बढ़ गई, याद रखिएगा किसकी भीड़ बढ़ गई, दर्शकों की जो है यहाँ पर भीड़ बढ़ जाएगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। हरे भरे खेत डैश से हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं, तो दोस्तों हरे भरे जो खेत होते हैं वे इस खाली स्थान पर क्या ऐसा भरेंगे कि जो है अत्यंत सुंदर दिखाई देंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा लहलहाते हुए यह बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, याद रखिएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिक्त स्थान की पूर्ति करना आप लोगों को, जैसे आप लोगों को यहाँ रिक्त स्थान है आपका यहाँ पर भरना है आप लोगों को कि मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा जो है डैश करी, तो आप लोग इस स्थान पर क्या होगा फटाफट कमेंट करके बताइएगा। तो मैंने जो है मैंने एक वर्ष तक उसकी क्या की, प्रतीक्षा की, इसलिए इसका उपयुक्त जो शब्द आएगा खाली स्थान पर 1 आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा,
निम्न मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करे। नाक जो है भौं चिकोड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घृणा करना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सही वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है यहाँ पर शुद्ध है? तो फटाफट आंसर करिएगा आप लोग। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो शुद्ध शब्द है यहाँ पर, तो देखिए जैसे आतिशबाजी, इस तरीके से लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता। अत्या जो है छरी, इस तरीके से लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा। उत्तरदायी, इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो शुद्ध शब्द है आपका ऐतिहासिक है, याद रखिएगा, ऐतिहासिक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर टू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें, जैसे आरोह का, आरोह का विलोम शब्द क्या होगा? फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। तो आरोह का विलोम शब्द क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? अवरोह हो जाता है, याद रखिएगा, अवरोह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है, निम्न मुहावरों के सही अर्थ को व्यक्त करें। हाथ पैर मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों इसका अर्थ जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, प्रयत्न करना, या आप लोग कह सकते हो प्रयास भी करना हो जाएगा, याद रखिएगा, प्रयत्न करना या प्रयास करना आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा फोर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, कटु, कटु का विलोम शब्द क्या होगा? कटु मतलब क्या होता, फटाफट कमेंट बॉक्स में भी आप लोग बताइएगा, क्योंकि आप लोग जब तक दिल लगाकर नहीं तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन के जो है नजदीक नहीं पहुंचेंगे। तो दिल दिमाग दोनों एक जगह पर रखकर ही वीडियो देखते रहिएगा। तो दोस्तों कटु का जो विलोम शब्द होगा वह आपको बता दिया जाए, कटु मतलब कड़वा कह सकते हो, और मधु मतलब आप लोग मधुर या मीठा भी कह सकते हो, इसलिए कटु की जगह पर आपका मधु आ जाएगा, इसलिए इसको ऑप्शन नंबर थ्री आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा, जिसकी गहराई का पता ना लग सके उस वाक्यांश के लिए एक शब्द देना होगा। तो उसको एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे, जिसकी गहराई का हम लोग पता नहीं लगा सकते, तो उसे हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों कहेंगे आवाद कहेंगे, याद रखिएगा आवाद कहेंगे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका फोर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का यह जो हमारा पार्ट नंबर था वह आपका जो है हमने कवर कर लिया। तो दोस्तों आने वाले सभी वीडियो लेक्चर्स को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगी, और आप लोग वीडियो को देखोगे तो बहुत ही अच्छा एग्जाम में करके आओगे। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाएंगे। डेली वीडियो आपको 7:30 बजे सुबह में प्रोवाइड की जाती है, तो आप लोग डेली वीडियो को देखते रहेंगे। हमारा जो SSC GD का प्रैक्टिस सेट नंबर अभी तक हमने 12 तक कवर कर लिया है, तो आप लोग जो है डेली वीडियो देखते रहें। आप लोगों को GK+GS के साथ साथ हिंदी के भी वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर कवर कराए जाते हैं, और साथ ही में अनिल सर के द्वारा आप लोगों को करंट अफेयर की भी वीडियो शाम में प्रोवाइड की जाएगी, तो आप लोग वह भी वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि करंट अफेयर से भी बहुत ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।